वाराणसी पुलिस अलर्ट पर है, सुरक्षा के मद्देनजर एक ड्रोन की तस्वीर है और आगरा के एकता का सद्भावना का जो माहौल बना है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्य हुआ वो अदालत के निर्देश पर हुआ है, दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार है। अब चूंकि उनका कोई विरोध है वो सीधे जाके कोर्ट में जो है बात करेंगे, मगर बनारस का माहौल सबसे अच्छा है मैं ये समझता हूँ, क्योंकि गंगा जमुनी संस्कृत का यह बनारस है। नजीर बनारस जिंदाबाद। जी 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 तो हाँ बिल्कुल, दुआखानी थी भाई, दुआखानी यही कि जो हो रहा है इस पे सबको अक्ल दे और जो है अमन चैन के लिए देश में हम लोग हिंदू मुसलमान एक होकर रहे, भाईचारगी बना के रहे। एक और चीज जानेंगे, हाँ, कि मुस्लिम समाज हाईकोर्ट में गया था लेकिन वहाँ से राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। 6 फरवरी की अगली तारीख दी गई और तब तक के लिए कोर्ट ने कहा कि पूजा पाठ जारी है। पूजा पाठ तो वहाँ हो ही रहा है, चूंकि आप शायरी के खानदान से भी जुड़े हुए हैं तो आज इस वक्त पे जो आपका शायराना अंदाज है क्या कहता है और इस वक्त में कौन सी जो पंक्तियाँ हैं वो? देखिए कोई शायरी इस वक्त कहने के मूड में कोई नहीं है। देखिए आप नजीर कसीरा और मोहम्मद यासीन ये सब लोग गंगा तहजीब के सभी सबूत हैं जो सामने खड़े हैं मोहल्ले में। बनारस का अमन चैन हमेशा रहा है, बिस्मिल्लाह खान ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमेशा सरनाई बजाया है, चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो चाहे बनारस हो, हिंदू मुस्लिम संस्कृत का हम लोग। देखिए ना हम ना मैं वकील हूँ और ना मैंने जो है कानून की पढ़ाई पढ़ी है, हम लोग मोहल्ले हम लोग जो है कोर्ट की कोई बात नहीं करेंगे। जो हमारा तहजीब रहना चाहिए ये जैसी होनी चाहिए, बनारस में हमको दोनों को रहना है, हम लोग मिलजुल के रहेंगे, ये हमारा मकसद है। कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट कुछ कह रहा है वो कोर्ट जाने। भाई देखिए एसआई की रिपोर्ट को भी हम जो है उस स्थिति में नहीं है जान बताने के कि क्या है कि नहीं, वो एसआई वाले जाने, आप उन लोग से पूछते नहीं है, जो यही जानता उससे पूछते। जिस तरह से नमाज अदा की जी जी, वहाँ पर भीड़ भी ज्यादा पड़ गई। देखिए ऐसा है, जब जब होता है जुमे की नमाज भीड़ होती है, लेकिन बंदी है और भीड़ होगी, अब मस्जिद है। कुछ नमाजियों का ये कहना है कि मैं नमाज नहीं पढ़ पाया, मुझे इसका मतलब इससे थोड़ा प्रॉब्लम मुझे है कि मुझे मौका नहीं मिल पाया, ये भाई मतलब बंद करा दी गई, ये स्टेटमेंट आ रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, प्रशासन रोक देता है, उसके लिए जो है प्रशासन भी जिम्मेदार है, प्रशासन अंदर पता कर ले वाकई भर गई है तो ठीक है, लेकिन पहले से बहुत लोग को 12 बजे से जाइए वापस, जाइए वापस। देखिए सहयोग नहीं, हमेशा बनारस के लोग सहयोग करते हैं, प्रशासन का सहयोग बनारस के लोग करते हैं, प्रशासन तो अपना काम करता है लेकिन सहयोग बनारसी नहीं करेगा तो सहयोग नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले सब जानते हैं, आप लोग को यहाँ खड़ा किया गया, आप लोग खड़े हैं, हम लोग जा रहे आ रहे हैं, सब लोग काम में लगा हुआ है। जैसे कि लोग का यही कहना है आप नहीं, अदालत के बाद हम लोग मार रहे हैं, नहीं दिया गया क्योंकि नहीं। देखिए यहाँ भरा हुआ है, देखिए 2200 लोग मैक्सिमम जो है नीचे में पढ़ते हैं, अब 2200 लोग से ज्यादा तो पढ़ नहीं सकते। नमाज का एक तरीका कि 4 फीट की जगह जो है हर नमाजी के आगे होनी चाहिए और इसे सटे होना चाहिए, तो जब अगर वो जगह फल गई है तो फिर बाकी लोग तो बाहर ही पढ़ेंगे ना भाई। जहाँ 10 लाख
दस लाख की आबादी है तो वहाँ पे दस लाख से पूरे शहर में सब तो उसमें आएंगे नहीं, जितने जा सकते हैं वो तो जाएंगे ही, और चले गए लोग तो बंद हो गया। देख कोर्ट का कोई झटका उठने की बात नहीं है, बात ये है कि कोर्ट का जो काम है कोर्ट करेगा, हम लोग का जो काम है हम लोग करेंगे। हम लोग का काम है कि अमन चैन कायम रहे, बस ये चाहते हैं। बात है जिसको नाराजगी, जो नमाज नहीं पढ़ता है उसके लिए क्या कहना चाहिए? अरे भाई कहीं दूसरी जगह पढ़ लेंगे, अब समय तो देखिए वहाँ का समय खत्म हो गया, उसके बाद में रजिया में 15 मिनट के बाद का था, वहाँ चले जाएंगे पढ़ लेंगे, फिर नेशड़क का टाइम है उसके बाद आधी घंटे के बाद का, वहाँ पढ़ लेंगे। अपने समुदाय में जो युवा है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? युवा तो भाई संयम बना के है भाई, पूरे युवा समझदार है, चाहे आपके युवा हो चाहे हमारे युवा, युवा सब समझ रहे हैं, समझे आप, सब जागरूक है। अगर जागरूक नहीं हो तो समझदार नहीं होते तो दूसरा माहौल हो जाता ना भाई, है कि नहीं? बनारस में आज बंदी है। क्या कहना चाहेंगे? बंदी यही है कि भाई जो इन्होंने सतीश भाई ने कहा कि भाई उनको मौका नहीं दिया कि दूसरे पक्ष को, इसलिए वो नाराज है कि भाई ये कोई बात हुई नहीं। अदालत गए हैं? हाँ गए हैं अदालत। अदालत का सम्मान करते हैं, जो अदालत का फैसला होगा उसको दोनों पक्ष मानेंगे। क्या कोई नाराजगी भी है क्या? नाराजगी आपसे है कि आप ऐसा सवाल पूछते हैं? मीडिया से नाराजगी है, आम आदमी से नाराजगी नहीं है। नाराजगी किसी से नहीं है, आप लोग अपना सही काम करिए, हम लोग अपना सही काम करें, और हाँ तो और अमन चैनल काम हो जाएगा। तो प्रमित करता है भाई, दुकानें बंद किया, कहा कि भाई दुकान सब लोग स्वेच्छा से बंद किया है, पूछ लीजिए किसी को जवाब। हिंदू मुसलमान मिलकर यहाँ रह रहे हैं।